घमासान.com मैं हूं आपके साथ दीक्षा भालवे। इन दिनों शिवराज सिंह चौहान का उतावलापन काफी देखा जा रहा है और आज हमारे बीच में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी। तो हम उनसे जानेंगे कि आखिर शिवराज सिंह चौहान का ऐसा बिहेवियर क्यों देखने में आ रहा है। सर, इन दिनों सोशल मीडिया पर शिवराज सिंह चौहान का उतावलापन काफी देखने को मिल रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, सही बात यह है कि 15 साल तक मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बाद शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार थे और उनकी जो है गाड़ी चल पड़ी थी, लेकिन रास्ते में अचानक कुछ खराबी आ गई। यानी कि लगभग 8-10 विधायक और बीजेपी को मिल जाते तो सरकार भाजपा की बन जाती। इस बात का मलाल शिवराज सिंह चौहान को बार बार होता है। शिवराज सिंह चौहान खुद बहुत दुखी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक भी उतने दुखी नहीं हैं जितने ज़्यादा दुखी शिवराज सिंह चौहान हैं। उसका कारण भी बहुत साफ है। शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा हाईकमान को ये कहा था कि हर हालत में मध्यप्रदेश में एक बार फिर उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी, इसलिए उनको फ्री हैंड दिया जाए। हाईकमान ने उन पर भरोसा किया और उनको फ्री हैंड दिया। बस वही गलती हाईकमान से भी हो गई और वही अति उत्साही लाल या उतावलापन शिवराज सिंह चौहान से हो गया। उन्होंने पुराने विधायक जिनके खिलाफ कार्यकर्ता और जनता में नाराजगी थी उनके टिकट नहीं काटे। यदि 50-60 टिकट वो काट देते तो निश्चित तौर पर बीजेपी की सरकार एक बार फिर बन जाती, या हम यूं कहें कि जो मुद्दे इन वक्त पर उछले थे, जो एंटी इनकम्बेंसी से जुड़े हुए थे, यदि उन पर वो ध्यान देते तो उनका काम हो जाता। अब वो ये कर रहे हैं कि बार बार अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में ही प्रदर्शित कर रहे हैं, ये उनके साथ बड़ी दिक्कत है। मुख्यमंत्री पद शिवराज सिंह चौहान जी को नहीं मिल पाया, क्या उन्हें इसी बात का मलाल है इसलिए वो इतने परेशान देखे जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वो ये मान के चले थे कि उनको एक बार फिर शपथ लेना है, उन्होंने एक बार और जो है सफारी सूट सिलवा लिया था कि मुझे शपथ लेना है। वो पूरे भरोसे में थे, दावे करते थे, उनसे जुड़े हुए चंद ऑफिसर चंद नेता कहते थे कि 185 सीटें तो हर हालत में आएगी, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया, या यूं कहें कि विधायकों को नकार दिया। विधायकों से बहुत ज़्यादा नाराजगी थी। ये बात सही है कि शिवराज सिंह चौहान से ज़्यादा लोकप्रिय चेहरा मध्यप्रदेश में आज भी कोई नहीं है। इस बात का एक बड़ा सबूत मैं आपको ये बताता हूँ कि पिछले दिन उनके पिता का निधन हो गया था, उसके बाद उनके गांव जेत में मैंने खुद ये देखा कि गाड़ियां भर भर के गांव गांव से लोग आ रहे हैं। जिन लोगों को शिवराज नहीं पहचानते वो भी आ रहे हैं, जिनका शिवराज सिंह चौहान से कोई लेना देना नहीं वो भी आ रहे हैं और आकर अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं डिंडोरी से आया हूँ, मैं अनूपपुर से आया हूँ, मैं रीवा से आया हूँ, मैं शाजापुर से आया हूँ, मैं धार से आया हूँ, इंदौर से आया हूँ, देवास से आया हूँ। और तो और मैंने ये भी देखा कि शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री पूर्व विधायक भी बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुँचे थे। तो निश्चित तौर पर ये बात सही है कि उनको इन सब घटनाओं को देखकर, ये सब नज़ारे देखकर लगता होगा कि आखिर मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाया। मुझे तो ऐसा लगता है कि बार बार उनको नींद में भी इस तरह के सपने आते होंगे कि मैं मुख्यमंत्री हूँ और कल मुझे ये करना है, क्योंकि इन वक्त पे जो चोट हो गई, कहावत है मालवा में कि जो है आप जब सब कुछ कर लेते हैं और थाली सामने परोसी भी रहती है लेकिन आप भोजन नहीं कर पाते, वैसी स्थिति शिवराज सिंह चौहान की हो गई। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश का एक जाना माना चेहरा है और वैसे भी वो काफी फेमस है, तो शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से देश की राजनीति क्यों नहीं करते? वाकई ये बात सही है कि शिवराज सिंह चौहान को भाजपा हाईकमान ने दिल्ली में राजनीति करने के लिए कहा, देश की राजनीति की तरफ अपना रुख मोड़ने के लिए कहा, लेकिन शिवराज ने साफ कह दिया कि मैं दिल्ली की राजनीति नहीं करना चाहता, मैं सांसद भी नहीं बनना चाहता, मैं विधायक हूँ और मध्यप्रदेश के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। सीधा और साफ संदेश है कि शिवराज सिंह चौहान हर हालत में कुछ भी करके एक बार फिर कैसे भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। अब तो शायद उनको
उस वल्लभ भवन में जाकर भी बड़ी बेचैनी होती होगी, क्योंकि वो दो बार कमलनाथ से मिलने गए हैं और उनको लगता होगा कि ये जो वल्लभ भवन मैंने 5 सितारा होटल की तरह बनाया था, जिस दफ्तर में मुझे बैठना था उस दफ्तर में बैठे कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलने के लिए मुझे समय लेना पड़ता है, जो इस दफ्तर में बैठे बड़े से बड़े अफसर उनके चक्कर लगाते थे, आज उनको फोन लगाने के लिए शिवराज को परेशान होना पड़ता है। इसी कारण शिवराज बार बार परेशान है और वो नहीं चाहते कि दिल्ली की राजनीति में वो जाएं, वो भोपाल में ही रहना चाहते हैं। फिर भी भाजपा हाईकमान ने शायद उनकी लोकप्रियता को देखकर या उनको मध्यप्रदेश की राजनीति से देश की राजनीति में लाने के लिए भाजपा के सस्ता अभियान का प्रभारी अभियान बनाया है, और इसके कारण ये कहा जाने लगा है कि शिवराज पर अब हाईकमान भरोसा नहीं करता। शिवराज सिंह चौहान को भाजपा के एक कार्यकर्ता बनाने का एक कार्य सौंपा गया है, सदस्य बनाने का, तो उसको शिवराज सिंह चौहान किस तरह निभा पाएंगे? शिवराज सिंह चौहान के पास एक अच्छा मौका है। मध्यप्रदेश में तो फिलहाल बीजेपी की सरकार बनती भी नहीं दिख रही है, क्योंकि हाईकमान भी ये नहीं चाहता है कि कमलनाथ सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस के निर्दलीय विधायकों को खरीदा जाए। पहले भी भाजपा पर दूसरे राज्यों में विधायक खरीदने का आरोप लग चुका है। उस बदनामी से बचने के लिए भाजपा इस तरह का कोई हथकंडा फिलहाल नहीं अपनाना चाहती। भाजपा चाहती है कि कमलनाथ सरकार खुद अपने कर्मों के कारण गिर जाए, तो फिर नए विधानसभा चुनाव कराकर फिर भाजपा बहुमत में आए और अपना मुख्यमंत्री बनाए, अपनी सरकार बनाए। इसी कारण शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली बुलाया ताकि उनको पूरे देशव्यापी स्तर पर घुमाया जाए। अब शिवराज सिंह चौहान को ये जो भाजपा के नए सदस्य बनाने का अभियान का काम सौंपा है, उसके कारण शिवराज सिंह चौहान को पूरे देश में घूमना पड़ेगा, हर राज्य में उनको जाना पड़ेगा। लेकिन इस बात से भी हम इनकार नहीं करते कि शिवराज सिंह चौहान के पाँव में चक्कर है, और पाँव में चक्कर का मतलब ये होता है कि दिन भर घूमना, रोज घूमना, लगातार घूमना। शिवराज सिंह चौहान पूरे देश में सस्ता अभियान के लिए आपको आने वाले दिनों में घूमते हुए दिखाई देंगे, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। अगर कांग्रेस की सरकार गिरती है तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होंगे, ये सिर्फ शिवराज सिंह चौहान मानते हैं, उसके अलावा और कोई भी नहीं मानता। भाजपा के जो वर्तमान विधायक हैं वो भी उनके पक्ष में नहीं है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने कभी भी विधायकों का विश्वास भी नहीं जीता। 15 साल मुख्यमंत्री जरूर रहे, लेकिन पार्टी के कारण उनके अपना जो है कोई गुट नहीं बन पाया, उनका अपना कोई घेरा या सर्कल नहीं बन पाया। चंद 5-7 विधायक, चंद 3-4 मंत्री और चंद 4-5 अफसरों के भरोसे वो सरकार चलाते रहे। ये बात सही है कि गरीब, गांव और किसान में शिवराज सिंह चौहान जितना प्रसिद्ध नेता पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी में नहीं है, और इसी बात को देखते हुए लगता है कि हाईकमान को शिवराज के नाम पर ही भविष्य में यदि कभी मौका आता है तो शिवराज के नाम पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा में मध्यप्रदेश के जो 5 बड़े अन्य दिग्गज नेता हैं वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले कैलाश विजयी मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उसके बाद में अभी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं गोपाल भार्गव, वो खुद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ऐसे तमाम नेता मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं और वो चाहते हैं कि वो मध्यप्रदेश की कमान संभाले। लेकिन शिवराज ये मानते हैं कि वो लोकप्रिय हैं और लगातार लोगों के बीच में रहते हैं। कल का ही हम एक मामला लें, भोपाल के पास आदिवासियों की रैली के लिए वो गए, जब उन्हें वहाँ पता चला कि आदिवासियों को पुलिस ने रोक दिया तो शिवराज ने वहीं से फ़ोन पर अफसरों को धमकी दी, कुछ इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया जो नहीं करना चाहिए था, स्थिति बिगाड़ दूंगा, माहौल बिगड़ जाएगा, फिर मैं नहीं जानता, इस तरह की बात उन्होंने की, और वो सारी चीज़ें, वो सारे वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। आज हमने बात की पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी से, और भी ऐसे ही राजनीतिक मुद्दों के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। आप देखते रहिए ghamasan.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।